Hello my dear students Today we will learn about plants around us This is the second chapter of My Living World Class 3 DAV Publication We have learned about different parts of a plant in class 2 Let us recall what we have already learned Level the various parts ऑफ अ प्लांट यूजिंग द वर्ड्स गिवेन इन द हेल्प बॉक्स यू कैन सी यहां पर एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पिक्चर में जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के उसको आपको लेबल करना है यहां पर लिखना है चलिए नीचे से शुरू करते हैं सबसे पहले ये जो कि जमीन के अंदर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं रूट यहां से हेल्प बॉक्स में से आप यहां से लिख लेंगे रूट्स और यहां पे आप लिख देंगे रूट्स जो अब इसके ऊपर देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेम ये प्लांट स्टेम होता है तो आपको यहां लिखना है स्टेम ये आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो यहां पे दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं बर्ड बी यू डी बर्ड और आप यहां से हेल्प बॉक्स में से देख लिखेंगे बी यू डी बर्ड ये देखिए इसको बोलते हैं ब्रांच ये एरो यहां आ रहा है यहां आपको लिखना है ब्रांच ये जो देख रहे हैं आप येलो कलर का ये है फ्लावर इसलिए आपको यहां लिखना है फ्लावर ये जो पिंक कलर का सॉरी रेड कलर का है रेड कलर का जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है फ्रूट तो आपको यहां लिख देना है फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट यहां पे है फिर ये सबसे ऊपर ये जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है ये है फ्लावर सॉरी लीफ ए एफ लीफ वी नाउट टॉक मोर अबाउट प्लांट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट Different parts of a plants perform different functions. Plants के जो अलग-अलग जो parts हैं, उन सब का अलग-अलग function है, उनका अलग-अलग role है. Let us learn about the functions of the main parts of a plant. देखिए जो सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है root. तो root का क्या function होता है? It fixes the plant in the सोयल रूट क्या करता है कि प्लांट को गिरने से रोकता है मतलब कि खड़ा होने के लायक बनाता है उसको जमीन में उसको बांध के रखता है पेड़ को ताकि पेड़ गिर ना सके इट फिक्सेज द प्लांट इन द सोइल दूसरा जो है स्टेम इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट ऑफ द शूट शूट बोलते हैं जो प्लांट में जहां से कोई ब्रांच निकलता है आप हिंदी में बोल सकते हैं कि प्लांट में जो आंख होता है जहां से कोई स्टेम निकलता है उसको बोलते हैं शूट तो जितने भी प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं उसको शूट से बाहर निकालता है स्टेम इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट शूट का सारा पार्ट्स जो है वो आगे बढ़ाता है मतलब कि प्लांट को करने में मदद करता है लीफ इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट लीफ जो है वो प्लांट के लिए भोजन तैयार करता है अगर फूड तैयार नहीं हो पाएगा तो प्लांट खाएगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी खाना प्रिपेयर करते हैं खाते हैं वो भी सांस लेते हैं बस डिफरेंस ये है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट फ्लावर इट ग्रोज इन टू अ फ्रूट फ्लावर जो होता है वो वही फ्लावर जो है आगे चल करके फ्रूट बनता है इट ग्रोज इन टू अ फ्रूट फ्रूट इट स्टोर्स सीड और जो फ्रूट है वो सीड्स को स्टोर करता है ताकि फिर हम सीड्स को अगर जमीन में रोपेंगे तो क्या होगा कि फिर नया प्लांट ग्रो होगा चलिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है डू यू नो द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल द ग्रीन सब्सटेंस मतलब जो हरा सब्सटेंस जो दिखाई पड़ता है लीव्स में पत्तों में उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड और जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट को खाना बनाने में मदद करता है तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज प्लांट्स को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है वी नाउ टॉक अबाउट दीज डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल। और अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है ट्रीज बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज जो बड़े प्लांट्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं ट्रीज देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग और उनका जो स्टेम होता है वो काफी मजबूत होता है और वो ओडी होता है उसमें काफी लकड़ी होता है इट इज कॉल्ड द ट्रंक और जो स्टेम होता है प्लांट का क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है तो उसको हम ट्रंक बोलते हैं वो काफी मोटा होता है जैसे कि पिक्चर देखिए आप ये देखिए मैंगो का ट्री है तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये इसका स्टेम इस है और किसी भी प्लांट का जो जिसके ऊपर ये पूरा प्रेशर होता है लीव्स का ब्रांचेज का फ्रूट का फ्रूट का ये सारा इसके ऊपर होता है ये होता है स्टेम और जो ट्रीज होते हैं ये काफी बड़े होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक ये जो पोर्सन है ये ट्रंक कहलाता है वी सी मेनी ब्रांचेज ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक और उसका जो ट्रंक होता है वो ट्रंक में से बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए होते हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये ट्रंक है और यहां से देखिए बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं जिसमें कि लीव्स हैं फ्रूट्स हैं देयर आर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज ब्रांचेज में लीव्स होते हैं पत्ते होते हैं फूल होते हैं और फ्रूट्स होते हैं फल होते हैं ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स ट्रीज जो होते हैं वो हमें शेड देते हैं छाया देते हैं द रूट ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप और जो ट्री होते हैं उनका जो रूट होता है ना वो बहुत जमीन में गहराई तक गया हुआ होता है मतलब बहुत डीप होता है बहुत गहरा होता है दे कैन देअर फोर अब्जोर्व वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सोइल इसलिए वो जो रूट्स होते हैं वो जमीन के बहुत अंदर से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि प्लांट अपना वाटर का जो कमी है उसको पूर्ति कर पाए यहां देखिए बनयान पीपल नीम मैंगो एंड कोकोनट कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज वी शी अराउंड अस तो कुछ ये बनियान हुआ पीपल नीम मैंगो कोकोनट ये सारे कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि हम अपने अगल बगल देखते हैं अपने आस पड़ोस में देखते हैं ट्रीज लीव फॉर सेवरल ईयर्स ट्रीज जो होते हैं वो काफी दिनों तक जिंदा रहते हैं समटाइम्स इवन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स सैकड़ों वर्षों तक पेड़ जो होते हैं वो जीवित रह सकते हैं ये देख लीजिए कुछ पिक्चर देख लीजिए ये देखिए मैंगो ट्री है ये देखिए मैंगो का फ्रूट है अभी तो इसका सीजन भी आ गया गर्मी के दिन में काफी मिलता है आप मैंगो के पेड़ पे आप देख सकते हैं अभी अभी कच्चे आम मिलेंगे आपको कोकोनट ट्री ये कोकोनट ट्री है और ये कोकोनट का फ्रूट है देखिए कैसा है नेक्स्ट इज श्रब्स वी ऑफेन सी मेनी प्लांट्स डेट अ उडी स्टेम बट आर नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग एंड एज ट्रीज तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका उडी स्टेम तो होता है मतलब स्टेम में उड होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं ट्री की तरह दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेस विध मैनी ब्रांचेस और ये प्लांट जो होते हैं वो बिल्कुल बुश की तरह यूज करते हैं दिखाई पड़ते हैं मतलब कि बुश मतलब होता है झाड़ी झाड़ियों की तरह दिखते हैं सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स और ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे श्रब्स तो श्रब्स किसे बोलेंगे ऐसे प्लांट जिसमें कि स्टेम तो है उडी स्टेम है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है ट्री की तरह, और ट्री की तरह बड़ा भी नहीं है और वो बुश की तरह दिखाई पड़ता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं श्रब्स श्रब्स है स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ ग्राउंड जो श्रब्स होते हैं उनका जो स्टेम्स होता है वो काफी छोटा होता है जमीन से ज्यादा उसकी ऊंचाई नहीं होती है यहां देखिए दिया हुआ है डू यू नो श्रब्स आर प्लांट्स विथ मल्टीपल स्टेम्स जो श्रब्स होते हैं उनके बहुत सारे स्टेम्स होते हैं नीचे से जमीन से निकले हुए होते हैं दे कैन ग्रो मोर देन सिक्स मीटर और वो छह मीटर तक जो है वो बड़े हो सकते हैं रोज वन विला कॉटन चाइना रोज एंड मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब्स विराउंड लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली श्रब्स जो होते हैं वो कुछ ही दिनों तक ही जीवित रहते हैं ये देखिए श्रब में एक रोज हो गया ये देखिए वोगन विला ये एक फ्लावर है ये देखिए कॉटन कॉटन भी श्रब्स है नेक्स्ट इज हर्ब्स मेनी प्लांट्स प्लांट होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं वो काफी थीन होते हैं विच आर ग्रीन इन कलर और वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड आर नॉट ऊडी और उसमें ऊड नहीं होता है मतलब लकड़ी उसमें नहीं होता है कि ऐसा लकड़ी नहीं होता जैसे कि आप कुछ बना सके सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स और वैसे प्लांट्स को बोलते हैं हर्ब्स हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज जो हर्ब्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं दे आर ग्रॉन इन अ पार्टिकुलर सीजन और उनको किसी खास सीजन में ही उनको लगाया जाता है दे लीव ओनली फॉर वन और टू सीजन एंड प्रोड्यूस देअर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स इन दिस टाइम ओनली वो बहुत कम समय के लिए एक सीजन के लिए लगाए जाते हैं और उतने ही देर में ये जो होते हैं फ्लावर फ्रूट्स और शीड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं आफ्टर वन और टू सीजन दे डाई और एक और दो सीजन के बाद वो मर जाते हैं यहां देख सकते देख सकते हैं आप पिक्चर ये टोमेटो मिंट और लेडी फिंगर ये तो आप खाते ही होंगे सब्जी भिंडी व्हीट राइस सनफ्लावर टोमैटो मींट एंड लेडी फिंगर आर सम हर्ब्स डेट वी सी अराउंड अस तो ये सब कुछ हर्ब्स हैं जो कि हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स सम प्लांट्स है वेरी वीक थीन एस्टेम वेरी वीक एंड थीन स्टेम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका जो स्टेम होता है वो काफी वीक होता है काफी और पतला होता है दे कैनोट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देअर ऑन ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपने बल पे खड़े भी नहीं हो सकते और बिल्कुल अपने से वो नहीं आगे जा सकते दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप उन्हें कहीं पर चढ़ाने के लिए जो होता है सपोर्ट की जरूरत होती है सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स और इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स जैसे कि आप देखिए यहां पे पी प्लांट ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट ये सारे जो प्लांट होते हैं ना इनको सहारे की जरूरत पड़ती है इनको हम किसी डंटे से या फिर किसी बांस वगैरह से इनको हम सपोर्ट देते हैं तभी आगे चल के ऊपर चढ़ते हैं पीज ग्रेप्स एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स डेट वी सी अराउंड अस नेक्स्ट इज क्रीपर्स सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड इट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड पे क्रीप करते हैं क्रीप मतलब रेंगते हैं ठीक है वो जमीन पे ही लोटे हुए होते हैं एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड वो ग्राउंड पे ही अपना जो है ब्रांच है जो ब्रांचेज होता है उसको ग्राउंड पे ही अपना वो स्प्रेड करते हैं दे ऑल्सो हैव थीन एंड वीक स्टेम और इनका भी जो स्टेम होता है वो काफी थीन और वीक होता है काफी कमजोर होता है वी कॉल देम क्रीपर्स और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर्स देखिए पिक्चर में पंपकिन स्ट्रॉबेरी ग्रास वाटरमेलन पंपकिबर स्ट्रॉबेरी बीटरगार्ड मस्कमेलन एंड ग्रास आर सम ऑफ द क्रीपर्स तो ये था ऑल अबाउट प्लांट्स चलिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं उससे पहले कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स डैश कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन अ प्लांट तो शूट को प्लांट में कैरीज कौन करता है तो ये करता है स्टेम कौन करेगा स्टेम आप देख सकते हैं ये देखिए स्टेम इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा स्टेम द स्ट्रोंग वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द डैश ट्री का जो स्ट्रोंग वुडी स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रंक क्या बोलते हैं ट्रंक अ डैश हैज अ थीन एंड ग्रीन स्टेम बिल्कुल और ग्रीन स्टेम यहां देखिए थीन स्टेम्स विच आर ग्रीन तो ये होता है हर्ब्स का एच ई -E आर बी एस हर्ब्स मस्क मेलन एंड ग्रास आर कॉल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ तो ये देखिए मस्कमेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स सी आर डबल ई ई आर एस क्रीप क्रीपर्स तो आपको यहां पे लिख देना है क्रीपर्स डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर टाइप प्लांट ऐसा प्लांट जिसको कि क्लाइंब करने की जरूरत पड़ती है क्लाइंबर तो आप यहां से लिख सकते हैं कोई भी लिख सकते हैं पी प्लांट ले सकते हैं ग्रेप्स ले सकते हैं मनी प्लांट ले सकते हैं ये सारे क्लाइंबर्स हैं चलिए ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे देता हूं ये आपको खुद से मैच करना है मैच करने में कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को जो है कॉपी पे आप नोट डाउन कर लेंगे पहले फिर आप उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे सारा कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा उसी प्रकार से ये आपको करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको खुद से करना है और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए ये आप क्वेश्चन मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं लेकिन इसका मैं आंसर बताऊंगा नहीं इसका आंसर के लिए आपको अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा ये क्वेश्चन है ओके वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड लर्न अबाउट प्लांट्स अराउंड अस बाय